स्वागत है आप सबका अपने चैनल शेयर मार्केट रिपोर्ट में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बायकॉन लिमिटेड के बारे में। तो आप सब हमें कमेंट करके बताएं किस कंपनी का स्टॉक आपके पास है या फिर नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 40,069 करोड़ का है। इसका करंट शेयर प्राइस 369.90 रुपीज़ है और 52 वीक का इसका हाईएस्ट शेयर प्राइस 371.40 रुपीज़ है। बात कर लेते हैं कंपनी में शेयर होल्डिंग के बारे में। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की शेयर होल्डिंग 5.63% की है, जो कि लगातार 4 क्वार्टर से कम होती हुई दिख रही है। म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग 8.57% की है, जो कि लास्ट क्वार्टर में कम होती हुई दिख रही है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की शेयर होल्डिंग 5.11% की है। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 60.64% की है और रिटेल एंड अदर की शेयर होल्डिंग कंपनी में 20.05% की है, जो कि लगातार 4 क्वार्टर से बढ़ती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी में फंडामेंटल्स के बारे में। इसका पीई रेशियो 39.20 है और जो इस सेक्टर का पीई रेशियो है वो 42.50 है। पीवी रेशियो 2.13 है। आरओई 30.29% है। आरओसीई 29.84% है। कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.14% है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.12 है। अब बात कर लेते हैं कंपनी में प्रॉफिट और लॉस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ईयर वाइज रिपोर्ट के बारे में। 2023 में कंपनी को 643 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि 2024 में कंपनी को 1298 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 2023 के कंपैरिजन में 2024 में कंपनी ने प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया है। बात करें इसके क्वार्टर वाइज रिपोर्ट के बारे में, तो मार्च 2023 में कंपनी को 414 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि मार्च 2024 में कंपनी को 223 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2023 के कंपैरिजन में मार्च 2024 में कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। जान लेते हैं शेयर मार्केट में कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। 2004 से अभी तक कंपनी ने अपने निवेशकों को 664% का रिटर्न दिया है। 5 साल में कंपनी ने 54% का रिटर्न दिया है। 1 साल में कंपनी ने 46% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में कंपनी ने 32% का रिटर्न दिया है। 1 महीने में कंपनी ने 10% का रिटर्न दिया है और 5 दिन में कंपनी ने अपने निवेशकों को 6% का रिटर्न दिया है। तो आप सब ने बायकॉन लिमिटेड से संबंधित आंकड़े देख लिए हैं। कंपनी में हमें हर तरह की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी का पीई रेशियो लो देखने को मिल रहा है। कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दे रही है। इसके अलावा कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी लो है। बात करें कंपनी में प्रॉफिट और लॉस की, तो कंपनी ईयर वाइज तो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन क्वार्टर वाइज कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं किया है। इसके अलावा 6 मंथ से कंपनी अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे रही है। बाकी किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लें और ख़ुद भी अच्छे से रिसर्च कर लें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट रिपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत जल्दी मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।